इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। मैं हूं अक्षय चवार और आज हम जानेंगे कूच बिहार रियासत की कहानी। भारत के रियासतों में कूच बिहार सबसे फेमस रियासतों में से एक है और इसका ये कारण है कि जो जयपुर की महारानी गायत्री देवी थी वो इसी राज परिवार से थी। कूच बिहार जो उत्तर पूर्वी भारत है, नॉर्थ ईस्ट कहा जाता है, उसमें से जो तीन प्रमुख वहां पे जो रियासतें थी उनमें से एक थी। एक था कूच बिहार, दूसरा था मणिपुर और तीसरा था त्रिपुरा। कूच बिहार रियासत का इतिहास बहुत ही इंटरेस्टिंग है बिकॉज इस पूरे क्षेत्र के अपने डायनामिक्स हैं। अगर आप देखें तो ये कूच बिहार का जो क्षेत्र है इसे दुआर्स कहा जाता है। इवन तो आज ये बंगाल में है पर ये जो पूरा क्षेत्र है ये हिमालय के फुटहिल्स पर है और प्राचीन काल में ये पूरा ग्रासलैंड हुआ करता था। इनफैक्ट हम कह सकते हैं कि 20th सेंचुरी के शुरुआत तक ये पूरा घने ग्रासलैंड्स हुआ करते थे जहां पर जंगली जानवर थे और एलिफेंट्स, शेर, चीता और वो सब। अभी वो पूरे टी एस्टेट्स में कन्वर्ट हो चुके हैं। एंशंट काल में ये जो पूरा जो क्षेत्र था वो प्राग ज्योतिष राज्य का एक हिस्सा था। हमें संदर्भ मिलते हैं रामायण और महाभारत में कि यहाँ पर प्राग ज्योतिषपुर का राज्य हुआ करता था, विच इंक्लूडेड ये जो उत्तरी जो बंगाल का क्षेत्र है यहाँ से लेकर असम तक। फिर बाद में चलकर यहाँ पर कामतापुर राज्य बना। जो कामतापुर राज्य था उसकी राजधानी थी कोसायनमारी। वहाँ पर किले के अभी अवशेष मिले हैं। जो कामतापुर राज्य था वो बहुत ही एंशंट इंडिया के सबसे शक्तिशाली राज्यों में से एक था और हमें रेफरेंस मिलते हैं कि इस पूरे क्षेत्र के फॉर एग्जांपल भास्कर वर्मन करके राजा थे जिन्होंने ह्यूनसांग के साथ उनकी मुलाकात हुई और हर्षवर्धन कनौज के जो राजा हर्षवर्धन थे उनके साथ वो मिले और ऐसे हमें संदर्भ मिलते हैं। फिर बाद में उनकी जो गौड़ के राजा है, बंगाल के राजा है शशांक, उनके साथ लड़ाई हुई, इसके संदर्भ मिलते हैं। ये अराउंड 6-7वीं शताब्दी की बात है। कामतापुर का जो राज्य है उसका आगे क्या हुआ, अराउंड 12वीं और 13वीं शताब्दी में एक बंगाल के जो सुल्तान थे उनकी जो फौजें थी उसने गोसाइनमारी पर किले पर कब्जा कर लिया और कामतापुर का राज्य टेम्पररीली खत्म कर दिया। Now, और एक बात यह है कि अगर आप पूरा नॉर्थ ईस्ट का जो इलाका देखें तो यहाँ पर उस समय जस्ट जंगल हुआ करते थे और जहां पर अलग अलग ट्राइब्स और कम्युनिटीज रहती थी। तो ये जो द्वार का एरिया है उत्तरी बंगाल, वहां पर जो कोच कम्युनिटी है उनका उनका निवास स्थान था और उनका फिर आगे राज भी उनका ही चला और फिर इसीलिए इसका नाम कोच बिहार या कोच बिहार या फिर आगे चलिए कूच बिहार जो अंग्रेजों के काल में पड़ा। तो कोच बिहार का मतलब है द होम ऑफ द कोच पीपल या उनका निवास स्थान, कोच लोगों का बिहार स्थान। तो इस तरह से इस एरिया का नाम पड़ा। अराउंड 16वीं शताब्दी में अराउंड 1515 के आसपास विश्व सिंह करके या बिस्वा सिंह करके एक योद्धा हुए जिन्होंने जो कोच राज्य था, जो कामतापुर राज्य था जो खत्म हो चुका था, उसे रीएस्टैब्लिश करने की कोशिश की। उस समय यहाँ पर छोटे छोटे जमींदार हुआ करते थे और जो चीफ्टन्स हुआ करते थे जो आपस में लड़ते रहते थे और जो बंगाल के सुल्तान हैं फिर बाद में मुगलों के गवर्नर हैं उनको ट्रिब्यूट दिया करते थे। तो बिस्व सिंह ने जो आज का जो कूच बिहार इलाका है, जलपाईगुड़ी और जो जलपाईगुड़ी इलाका है ऑफ वेस्ट बंगाल और जो रंगपुर एरिया है बांग्लादेश का, पद्मा ऑलमोस्ट पद्मा नदी तक उन्होंने अपना राज्य फैलाया और फिर उसके बाद एक नई शुरुआत हुई कूच बिहार राज्य की।
एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली अगर आप इस राज्य को देखें तो उसके ऑलमोस्ट चारों तरफ बिल्कुल पावरफुल राज्य थे और वो एक सैंडविच की तरह पिसा हुआ किंगडम से एक्सपैंड करने के लिए ज्यादा स्कोप नहीं था, पर फिर भी उन्होंने अपना राज्य चलाया बिकॉज उसके दक्षिण और जो वेस्ट है उसकी तरफ मुगल साम्राज्य था शक्तिशाली, उसकी उत्तर की तरफ भूटान था जो बहुत ही शक्तिशाली राज्य हुआ करता था, और उसके ईस्ट की तरफ अहोम राज्य था। और कूच बिहार राज की इन तीनों राज्यों के साथ लड़ाइयां चलती रहती थी, बट वो अपना इंडिपेंडेंस मेंटेन किए हुए थे। अराउंड 1540 में राजा विश्व सिंह के बाद आए, राजगद्दी पर आए राजा नर नारायण। उन्हें कूच बिहार या जो कोच कम्युनिटी है उनका विक्रमादित्य कहा जाता है। उनके शासनकाल में कल्चर हो, आर्ट हो, आर्किटेक्चर हो, उसमें बहुत एक गोल्डन एज था ये कूच बिहार का और कोच राज्य का। जो श्रीमान शंकर देव है, द ग्रेट वैष्णव सेंट, वो उनके साथ उनके रिलेशनशिप थे। यहाँ पर ये अगर आप देखिए तो ये पूरा शाक्त एरिया था, ये देवी की पूजा करते थे, पर इस समय वैष्णविज्म यहाँ पर फैला और बहुत ही एक ग्लोरियस टाइम था। अनफॉर्चुनेटली नर नारायण जो राजा है उनके निधन के बाद ये कूच बिहार राज्य है वो दो हिस्सों में बट गया। एक हिस्सा बना कूच बिहार राज्य जो 1947 तक एक रियासत बना, और दूसरा हिस्सा था कोच हाजो करके। अब इसकी जो बाउंड्रीज अगर आप देखें तो आज जो बंगाल और असम का जो बॉर्डर है, तो जो ये जो असम के जो वेस्टर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट्स है, धुबरी और बिजनी और वो सब, तो ये सारा उस समय कोच हाजो किंगडम में आता था। अनफॉर्चुनेटली मुगलों का आक्रमण हुआ और फिर कोच हाजो किंगडम खत्म हो गया, वो एक जमींदारी बन गया जो 1956 तक असम में एक जमींदारी था, द जमींदारी ऑफ बिजनी। और जो कोच बिहार राज्य है वो थैंकफुली उसने अपना इंडिपेंडेंस कंटिन्यू किया। जैसे हमने आपको पहले बताया कि जो कूच बिहार का जो राजा था वो बहुत शक्तिशाली नेबर से घिरा हुआ था, और अहोम से आक्रमण होते थे, भूटान से आक्रमण होते थे और बंगाल से आक्रमण होते थे। जब बंगाल से आक्रमण हुए तो जो दक्षिण की जो रंगपुर, आज का जो बांग्लादेश में रंगपुर की जो काफी जो उनकी जो टेरिटरीज थी वो मुगलों के अंडर चली गई। और फिर जो मुगल है उन्होंने एक सिस्टम किया कि जो कूच बिहार का डिस्ट्रिक्ट है आज का वो उनका इंडिपेंडेंट राज्य रहेगा कूच बिहार राजाओं का, और उनकी जो जमीनें थी जो उन्होंने कैप्चर कर ली थी जो रंगपुर में थी वो वहां के जमींदार थे। और ये जो सिस्टम जो चला वो 1947 तक चला कि जिसे चकलाजात एस्टेट्स कहा जाता है रंगपुर में, तो वो फिर बाद में वो पाकिस्तान, ईस्ट पाकिस्तान में चली गई। अराउंड 1680s के आसपास यहाँ पर भूटान के काफी इन्वेजन हुए। अब हम भूटान को एक हैप्पी किंगडम, बुद्धिस्ट किंगडम, पीसफुल किंगडम के नाम से जानते हैं, पर 17वीं शताब्दी में वो एक बहुत ही शक्तिशाली मिलिटेंट मिलिट्री एक्सपेंशनिस्ट पावर था, और उसका सबसे ज्यादा अगर इफेक्ट और प्रभाव पड़ता था तो वो कूच बिहार पर पड़ता था। और कंसिस्टेंटली जो भूटान के राजा है वो कूच बिहार पर अटैक करते थे, लूटते थे, टेरिटरीज कैप्चर करते थे, और ऐसी काफी उन्हें जो कूच बिहार था वो राज्य को इन्वेजन्स फेस करने पड़े। फिर बाद में फाइनली क्या हुआ कि 1772 में एक बहुत बड़ा भूटानीज इन्वेजन हुआ, उन्होंने जो राज परिवार है कूच बिहार का उसे हॉस्टेज बना लिया, कुछ लोग भूटान लेके गए। तो फाइनली जो कूच बिहार के राजा है उन्होंने ये निर्णय लिया कि हमें जो दक्षिण में जो एक नई ताकत आई थी उसके साथ हमें एक संधि या ट्रीटी करनी चाहिए। ये नई ताकत थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। अभी अगर आप ये देखें तो प्लासे की लड़ाई हो चुकी थी इस समय, और अंग्रेजों ने दीवानी, जो बंगाल की दीवानी है, वो अपने कब्जे में ले ली थी। ये वॉरन हेस्टिंग्स जो
जो गवर्नर जनरल थे ये उनका समय था। और इसी के साथ 1772 में कूच बिहार ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ एक ट्रीटी की वॉरेन हेस्टिंग्स के साथ, ये सोच के कि वो हमें भूटान के जो हमले हो रहे हैं उनसे रक्षा करेंगे। फाइनली अंग्रेज तो बैठे ही थे, उन्होंने भूटान के साथ लड़ाई की, फिर बाद में जो दार्जिलिंग और ये सारा एरिया है वो उनके कब्जे में ले लिया और कूच बिहार है वो एक प्रिंसली स्टेट बन गया अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ द ब्रिटिश पावर। उसके बाद कई राजा आए, एक उस समय एक बैकवर्ड, एक बहुत ही पिछड़ा हुआ प्रिंसली स्टेट था, क्योंकि यू नो अनलाइक जो सिलीगुड़ी है या जहां से एक यू नो उत्तर की तरफ जो व्यापारी मार्ग जाता था, कूच बिहार का इतना महत्व नहीं था, उत्तरी बंगाल का एक पिछड़ा हुआ राज्य या पिछड़ी हुई रियासत थी। पर ये सब बदला 1860s में जब कूच बिहार के उस समय के राजा का निधन हो गया और जो उनके बहुत ही कम उम्र के बेटे थे नृपेंद्र नारायण वो गद्दी पर बैठे विद ब्रिटिश एज द गार्डियंस। अब ये था, दिस वाज द विक्टोरियन एज ऑफ क्वीन विक्टोरिया, द विक्टोरियन ईरा, और जो ब्रिटिश है उनकी ये इच्छा थी कि ये जो माइनर राजा है उसको हम एक ब्रिटिश एजुकेशन देंगे और उसको हम एक ब्राउन इंग्लिशमैन, या हम बोलते हैं जिसे हम साहिब बोलते हैं, उसे हम साहिब बनाएंगे, हम पूरी तरह से उन्हें वेस्टर्नाइज करेंगे और उसे हम एक बाकी राजाओं को एक बताएंगे कि कैसे एक आइडियल रूलर होता है, क्योंकि वो सोचते थे कि जो इंडियन रूलर्स हैं और जो इंडियन ट्रेडिशंस और कस्टम्स हैं वो बहुत ही बैकवर्ड और पिछड़े हुए हैं एंड ऑल। तो बहुत कम उम्र में ही नृपेंद्र नारायण को उन्होंने ट्रेन किया, उनका पूरा एजुकेशन ब्रिटिश सिस्टम में हुआ, उन पर बहुत इंग्लिश इन्फ्लुएंस था। तो इस तरह से नृपेंद्र नारायण को उन्होंने एक बहुत ही वेस्टर्नाइज्ड, एक ब्रिटिश अपब्रिंगिंग दी। फिर बात आई नृपेंद्र नारायण की शादी की। अब उस समय कलकत्ता में एक बहुत ही पावरफुल मूवमेंट चल रहा था जिसे ब्रह्मो समाज कहा जाता था, जो रिचुअल्स और ट्रेडिशंस, जो ऑर्थोडॉक्स ट्रेडिशन उसको नहीं मानते थे, और जितने भी जो भद्र लोग हैं बंगाल के, प्रोग्रेसिव आइडियाज हैं वो सब उनके फॉलोअर बन गए थे और उसके मुख्य थे केशव चंद्र सेन। और तब एक ये प्रपोजल आया नृपेंद्र नारायण का अपनी बेटी सुनीति देवी के लिए केशव चंद्र सेन को। पर एक बहुत बड़ा स्कैंडल भी हुआ तब कलकत्ता में, क्योंकि केशव चंद्र सेन जो थे वो बिलीव करते थे कि जो लड़कियों की शादी है वो उसका मिनिमम एज होना चाहिए। पर उस समय जब ये कूच बिहार से प्रपोजल आया उनकी बेटी के लिए, ये रिश्ता आया और केशव चंद्र सेन ने खुशी से ये रिश्ता एक्सेप्ट किया अपनी बेटी के लिए, क्योंकि वो चाहते थे कि उनकी बेटी महारानी बने, तो उनकी बेटी की उम्र कम थी, वो 18 साल की नहीं थी, उनकी बहुत कम उम्र की, नाबालिग थी वो उस समय। और फिर वो काफी हाहाकार हुआ, काफी इंट्रीग्स हुए, ब्रह्मो समाज में स्प्लिट हुआ। पर यू सी आई मीन मनी टॉक्स, पावर टॉक्स, और जब आपकी बेटी राज परिवार में रानी बन के जा रही है तो यू विल ऑलवेज ट्राई टू टाइड ओवर दीज थिंग्स, जस्टिफाई, आप किसी भी तरह उसको जस्टिफाई कर लोगे। एंड वैसे ही हुआ और सुनीति देवी बनी कूच बिहार की महारानी। जो नृपेंद्र नारायण थे और सुनीति देवी थी वो बहुत ही मॉडर्न और प्रोग्रेसिव थी। फॉर एग्जाम्पल, पहले पर्दा सिस्टम हुआ करता था कूच बिहार में, पर जब वो सुनीति देवी आई तो उन्होंने पर्दा सिस्टम नहीं रखा। और क्योंकि जो नृपेंद्र नारायण बहुत वेस्टर्नाइज थे और सुनीति देवी भी बहुत वेस्टर्नाइज थी, तो वो इंग्लैंड जाते थे, उनके क्वीन विक्टोरिया और ब्रिटिश राज परिवार के साथ बहुत ही करीबी संबंध थे, उनके जो लड़के हुए वो भी इंग्लैंड में पढ़े, उनकी बेटियां भी इंग्लैंड में पढ़ी, और बहुत ही एक वेस्ट, इनफैक्ट अगर आप देखें तो जो कूच बिहार रॉयल फैमिली थी वो भारत की सबसे वेस्टर्नाइज्ड रॉयल फैमिली थी। पर ये वेस्टर्नाइजेशन था, ये सिर्फ पहनावे में या सिर्फ उनके रहन सहन में नहीं था। थैंकफुली उन्होंने जो मॉडर्न आइडियाज है, जो यूरोपियन आइडियाज है, वो कूच बिहार में भी इम्प्लीमेंट किए। उन्होंने यहाँ पर एक मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम बनाया, जुडिशरी बनाई,
स्कूल्स बनाए, हॉस्पिटल्स बनाए, आश्रम बनाए। तो एक उस समय कूच बिहार एक बहुत ही वेल रन, वेल मेंटेन्ड रियासत के तरह एक बढ़ने लगा। अब एक इंटरेस्टिंग बात कूच बिहार परिवार के साथ हुई 1911 में। 1911 में दिल्ली दरबार हुआ, जिसमें भारत भर के राज परिवार के लोग आए, जिसमें सुनीति देवी, नृपेंद्र सब गए थे। अब नृपेंद्र नारायण और सुनीति देवी जो थी, उनके जो दूसरे बेटे थे प्रिंस जितेंद्र बहुत ही हैंडसम थे, वेरी गुड लुकिंग थे। और वहां पर दिल्ली दरबार के दौरान उनकी प्रिंस जितेंद्र की मुलाकात हुई बड़ौदा के सयाजीराव महाराज की इकलौती बेटी इंदिरा राजे के साथ। अब इस समय जो दिल्ली दरबार में एक बहुत ही हाहाकार मच चुका था, क्योंकि सयाजीराव महाराज ने किंग जॉर्ज के सामने वो न झुकने वाले एकमात्र राजा थे, तो वो बहुत ही कॉन्ट्रोवर्सी चल रही थी। और फनीली सयाजीराव महाराज के जीवन काल की दूसरी कॉन्ट्रोवर्सी भी इसी दिल्ली दरबार में होने वाली थी, क्योंकि क्या हुआ कि जो इंदिरा राजे हैं और प्रिंस जितेंद्र है, उनमें मेल हुआ एंड ऑल, और उन्होंने दे फेल इन लव विद ईच अदर, उन्होंने शादी करने का निर्णय ले लिया। अब प्रॉब्लम ये था कि इंदिरा राजे की सगाई ऑलरेडी ग्वालियर के महाराजा माधवराव सिंधिया द फर्स्ट के साथ हो चुकी थी, तो शी वॉज टेक्निकली एंगेज्ड एट द टाइम। और ग्वालियर और बड़ौदा ये बहुत ही पावरफुल मराठा राज्य थे, और इट वॉज कंसिडर्ड अ बिग अलायंस बिटवीन दीज टू बहुत बड़े मराठा राज्यों के बीच में। पर इंदिरा राजे जो थी वो बहुत ही स्मार्ट थी, वो बहुत ही बोल्ड थी। इनफैक्ट औरबिंदो हैं जिन्होंने औरबिंदो आश्रम पांडिचेरी में निर्माण किया, वो इंदिरा राजे के ट्यूटर थे, और इनफैक्ट सयाजीराव महाराज के सभी बच्चों के ट्यूटर थे। एंड ही बिलीव कि उनके सभी बच्चों में इंदिरा राजे वॉज द स्मार्टेस्ट वन। तो इंदिरा राजे ने क्या किया, बड़ौदा जाने से पहले एक लेटर लिखा माधवराव सिंधिया को, प्राइवेट लेटर, जो उनके जो माता पिता थे उनको पता नहीं था, ये कह के कि हमारी सगाई टूट गई, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और जब दिल्ली से सयाजीराव महाराज बड़ौदा पहुंचे तो उनको एक टेलीग्राम मिला ग्वालियर से, व्हाट डज द प्रिंसेस मीन बाय हर लेटर, तो उनको पता नहीं था। फिर दोनों ने फाइंड आउट किया एंड देयर वाज अ बिग स्कैंडल, हाहाकार हो गया कि इट वाज अनइमेजिनेबल उस टाइम कि एक लड़की अपनी सगाई ऐसे तोड़ सकती है, वो भी इंडिया के सबसे पावरफुल महाराजा के साथ। चिमनाबाई और सयाजीराव महाराज वो स्कैंडलाइज्ड, उन्होंने ये शादी का प्रपोजल कूच बिहार के शादी के प्रपोजल से साफ इनकार कर दिया। पर इंदिरा देवी जो थी वो डिटरमिंड थी कि हम उन्हीं से शादी करेंगे। तो उसके बाद जैसे हम बोलते हैं ना, बिल्कुल एक फिल्मी कहानी, एक फिल्मी लव स्टोरी, तो वो बिल्कुल वैसे ही हुआ। फॉर एग्जाम्पल जब उन्होंने निर्णय लिया कि हम ये शादी बिल्कुल नहीं होने देंगे, और वो इंदिरा राजे को लंदन ले जा रहे थे, तो उसी जो शिप में जो बॉम्बे से लंदन जा रही थी, उसमें प्रिंस जितेंद्र थे भेज बदल कर, और वो सीक्रेटली मिलते थे। फिर बाद में लंदन में भी जब वो थे तो वो सीक्रेटली गार्डन में मिलते थे। फिर इतना स्कैंडल हुआ और ऐसा लगने लगा कि वो भाग के शादी कर लेंगी, बिकॉज शी वॉज अ वेरी स्ट्रांग लेडी इंदिरा राजे। तो फाइनली सयाजीराव महाराज ने डिसाइड किया कि ठीक है, उनको शादी करनी है कर लेंगे, पर हम ये शादी स्वीकार नहीं करेंगे। तब इंदिरा राजे और जितेंद्र नारायण ने लंदन के एक कोर्ट में शादी कर ली, और वो कूच बिहार राज परिवार का हिस्सा बन गई। अब एक तरह जहां एक लव स्टोरी एक लॉजिकल कंक्लूजन की तरफ जा रही थी, वहां पर एक दूसरी लव स्टोरी ट्रेजेडी की तरफ जा रही थी, क्योंकि जो जितेंद्र नारायण थे उनके बड़े भाई राज राजेंद्र, मतलब नृपेंद्र नारायण और सुनीति देवी के बड़े बेटे, उनको प्यार हो गया था एक ब्रिटिश एक्ट्रेस के साथ। और 1911 में नृपेंद्र नारायण का निधन हो गया, और ये जो राज राजेंद्र नारायण है जितेंद्र नारायण के बड़े भाई, वो राजा बन चुके थे। अब कूच बिहार का राजा एक भारत का एक हिंदू राजा एक ब्रिटिश एक्ट्रेस के साथ शादी नहीं कर सकता था,
और ब्रिटिश सरकार का विरोध था, कूच बिहार परिवार का विरोध था, और वो सो ही वॉज वेरी डिप्रेस्ड, और उसकी वजह से वो काफी ड्रिंक करते थे। और ये जो जितेंद्र और इंदिरा राजे की जो शादी हुई उसके कुछ ही महीनों बाद ही ड्रैंक हिमसेल्फ टू डेथ, और उसकी वजह से क्या हुआ, इंदिरा राजे के जो पति थे जितेंद्र नारायण, वो कूच बिहार के महाराजा बने। प्रिंस जितेंद्र, अब महाराजा जितेंद्र और महारानी इंदिरा देवी कूच बिहार पर राज करने लगे। उनके कई उनके बच्चे हुए, जिसमें सबसे फेमस जो सब जानते हैं वो है जयपुर की महारानी गायत्री देवी। फिर जो उनका सबसे बड़ा बेटा था वो था महाराजा, आगे चल के जो बने महाराजा जगदीपेंद्र नारायण। तो एक हैप्पी परिवार था। अनफॉर्चुनेटली 1922 में महाराजा जितेंद्र नारायण का निधन हो गया। उस समय इंदिरा देवी की उम्र भी बहुत कम थी, शी वॉज इन हर 30s, और बच्चे भी काफी छोटे थे। पर इस समय इंदिरा देवी ने जो कूच बिहार का राज है वो बहुत ही अच्छी तरह संभाला। वो बड़ौदा से थी, उन्होंने अपने उनके पिता महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शासनकाल देखा था, और सयाजीराव महाराज का क्या स्ट्रैटेजी थी कि वो हमेशा सबसे ब्रिलियंट आदमी को चुनते थे और राजकारभार उनको सौंप देते थे कि हम इंटरफियर नहीं करेंगे, आप राज प्रॉपरली चलाइए। और वही स्ट्रैटेजी को इंदिरा देवी ने कूच बिहार में अपनाया कि वो इंटरफियर रियासत में नहीं करती थी, बट शी सिलेक्टेड द मोस्ट ब्रिलियंट एंड द मोस्ट बेस्ट एडमिनिस्ट्रेटर्स फ्रॉम अक्रॉस इंडिया, और उनको बोला कि आप कूच बिहार चलाइए, आपको जो भी तनख्वाह मिलेगी और ये मिलेगा, और हम इंटरफियर नहीं करेंगे। और यू नो शी वॉज वेल नोन एज अ इंटरनेशनल सोशलाइट, वो लंदन जाती थी, वो ब्रिटिश रॉयल फैमिली की बहुत करीब थी, शी वॉज द बेस्ट ड्रेस्ड वुमन इन इंडिया एट द टाइम। इनफैक्ट शिफॉन साड़ीज, मान्यता के अनुसार जो भारत में जो शिफॉन साड़ीज है वो बहुत फैशनेबल है, उसकी शुरुआत, वो शिफॉन साड़ीज की शुरुआत भी उन्होंने ही की थी। पर उनको क्रिटिसाइज किया जाता है कि वो पार्टीज बहुत करती थी, वो ट्रैवल बहुत करती थी, बट द फैक्ट इज शी वाज अ वेरी गुड रूलर। उन्होंने कूच बिहार का रेवेन्यू बढ़ाया, इनकम बढ़ाया, सरप्लस बढ़ाया, और जो सरप्लस था दैट इज व्हाट शी वाज स्पेंडिंग। और जो उन बाकी जो भारत के जो राजा थे जो कर्जा लेकर रियासत को डिप्राइव करके जो पार्टी करते थे या याशी करते थे, वैसा उन्होंने नहीं किया। अराउंड 1930s में जो इंदिरा देवी और जो जितेंद्र नारायण थे उनके बड़े बेटे जगदीपेंद्र नारायण, ही बिकेम 18 इयर्स ओल्ड एंड ही बिकेम द राजा ऑफ कूच बिहार। उन्होंने भी जो इंदिरा देवी का जो एडमिनिस्ट्रेशन था वैसे ही उन्होंने कंटिन्यू किया। उन्होंने यहाँ पर इंडस्ट्री लाने की कोशिश की, यहाँ पर ब्रूवरी बनाई, यहाँ पर एक बहुत अच्छा उन्होंने शासनकाल चलाया। महाराजा जगदीपेंद्र नारायण ने एक ब्रिटिश सुपर मॉडल जॉर्जीना एगन से शादी की, जीना करके, पर अनफॉर्चुनेटली उनकी कोई औलाद उस शादी से नहीं थी। ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो कूच बिहार एरिया है वहाँ पर काफ़ी अमेरिकन स्टेशन हुए थे क्योंकि बर्मा में वॉर चल रही थी। और फिर बाद में 1947 में महाराजा जगदीपेंद्र नारायण ने अपनी रियासत भारत सरकार को हैंडओवर कर दी। इसके साथ उन्होंने ऑलमोस्ट 1 करोड़ रुपए का जो सरप्लस था वो हैंडओवर किया, ये कह के कि इसे ट्रस्ट में रखा जाएगा जो सिर्फ कूच बिहार के विकास के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, और आज भी एक सेपरेट ट्रस्ट है। दूसरी उन्होंने ये शर्त रखी थी कि जो कूच बिहार है उसे एक इंडिपेंडेंट राज्य, जैसे त्रिपुरा और मणिपुर एक सेपरेट स्टेट है, तो उसे एक सेपरेट स्टेट बनाया जाएगा। अनफॉर्चुनेटली भारत सरकार ने ये जो अग्रीमेंट है उसे माना नहीं, और बाद में कूच बिहार है उसे बंगाल में मर्ज कर दिया। अब अगर आप एक्चुअली देखें तो उस समय एक झगड़ा हुआ था बंगाल और असम के बीच में कूच बिहार के लिए, बिकॉज कूच बिहार जो है वो असम के बॉर्डर पर है और वो वहां पर भी काफी राजवंशी रहते हैं, और कूच बिहार की जो आबादी है वो हम बंगाली टेक्निकली उन्हें नहीं कह सकते, वो अलग
एक रेस है। तो उसके एक इशू हुआ, बट द फैक्ट इज कि यू नो बंगाल का एक बहुत बड़ा क्षेत्र पाकिस्तान में चला गया था, ईस्ट बंगाल पूरा निकल गया था, बंगाल का एक छोटा सा स्लिवर ही बचा था। तो वो चाहते थे कि जो कूच बिहार है वो बंगाल का एक पार्ट बने। तो इस तरह से कूच बिहार बिकेम अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। उसके बाद अनफॉर्चुनेटली जो महाराजा जगदीप नारायण है उनका निधन होने के बाद उनके जो नेफ्यू थे विराजेंद्र वो स्टेट को संभाल नहीं सके। फिर बाद में काफ़ी पिल्फरेशन हुआ पैलेस में और फाइनली 1980s में जो कूच बिहार का जो बहुत ही खूबसूरत और बड़ा महल है उसे गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल और फिर ASI ने टेक ओवर कर लिया। आज वो एक म्यूजियम है। अनफॉर्चुनेटली कूच बिहार राज परिवार जो मेन परिवार है वो खत्म हो चुका है। आई मीन बिस्वा सिंह के बाकी वंशज तो अभी भी कूच बिहार में रहते हैं। और जो कूच बिहार रियासत की जो सबसे पावरफुल सिंबल है और जो ग्लोरियस सिंबल है वो है कूच बिहार का राजमहल। थैंकफुली वो आज भी एक अच्छी मेंटेनेंस की कंडीशन में है, इवन दो अंदर का जो फर्नीचर है वो तो सब खत्म हो चुका है, वो एक म्यूजियम है। और लोगों की दिलचस्पी जैसे ही बढ़ती जा रही है, अभी काफ़ी टूरिस्ट भी कूच बिहार आते हैं और होपफुली आगे चल के और लोगों की रुचि बढ़े और यहाँ पर और टूरिज्म के कारण और विकास हो। तो ये थी कहानी कूच बिहार रियासत की।